गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 7 द माइंड ऑफ द चिंपैंजी, यानी चिंपैंजियों का दिमाग। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल टेल यू अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, जेन गुडेल इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर जेन गुडेल के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस चैप्टर में चिंपैंजियों के बारे में, व्यवहार के बारे में अध्ययन किया है और उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं उनको कैसी लैंग्वेज वो समझ सकते हैं, उनके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया गया, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। जेन गुडेल हैज़ डिवोटेड हर लाइफ टू द स्टडी ऑफ चिंपैंजी। जेन गुडेल ने अपना जीवन चिंपैंजियों के अध्ययन के में समर्पित कर दिया। यानी यहाँ पे जो डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित कर देना, उन्होंने अपना जीवन जो है वो चिंपैंजियों के अध्ययन में समर्पित कर दिया। She has been studying the behavior of chimpanzee in the Gombe Game Reserve of Africa since 1960. सन 1960 से ये गोम्बे गेम रिजर्व ऑफ अफ्रीका में चिंपैंजियों के व्यवहार का अध्ययन कर रही हैं। Her observation revealed that chimpanzee to have a complex social life and sensitive creature. इनके अवलोकन से, यानी जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी है, जो अवलोकन किया, उससे पता चलता है कि चिंपैंजियों का जटिल सामाजिक जीवन है और वे संवेदनशील प्राणी हैं। कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ का मतलब होता है जटिल सामाजिक जीवन, और सेंसिटिव क्रिएचर में संवेदनशील प्राणी। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। एनिमल्स आर मच स्मार्टर देन साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक। यानी वैज्ञानिक जितना सोचते थे जानवर उससे ज़्यादा होशियार हैं। I was told at school 50 years ago that only human beings have personalities, can think and reason, feel pain or have emotions. Emotion मतलब होता है भावनाएं। अब वो कहते हैं कि जब I was at school, यानी आई जो है वो जेन गुडेल के लिए आया है, तो वो बता रही है कि जब वो स्कूल में थी 50 years ago, यानी 50 साल पहले, तो उनको बताया गया था स्कूल में कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव होते हैं, वो ही केवल सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको दर्द होता है, उनकी भावनाएं होती हैं, उनको ये बताया गया था स्कूल में। लकली एज अ चाइल्ड आई हैड स्पेंड आवर्स लर्निंग अबाउट एनिमल्स बिहेवियर फॉर माई डॉग रस्टी। अब वो कह रही है कि भाग्य की बात है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने काफ़ी घंटे अपने कुत्ते रस्टी के साथ जानवरों के व्यवहार को सीखने में बिताए थे। सो आई न्यू नन ऑफ दैट वॉज ट्रू। इसलिए मुझे पता था कि जो भी स्कूल में बताया गया है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। द मोर वी हैव लर्न अबाउट चिंपैंजी द क्लियर इट इज़ दैट दे हैव ब्रेन्स वेरी लाइक आर्स एंड कैन इनफैक्ट डू मैनी थिंग्स दैट वी यूज टू थिंक ओनली ह्यूमन्स कैन डू। अब वो कहते हैं कि जितना भी मुझे स्पष्ट है, यानी कि मैंने चिंपैंजियों के बारे में पढ़ा है और मुझे स्पष्ट है कि उनके भी हमारे जैसे ही दिमाग होता है और वो काम भी कर सकते हैं जो कि हम सोचते हैं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। यानी कि उनके भी दिमाग होता है हमारी तरह, उनके भी ब्रेन होता है और वो काम भी कर सकते हैं जो कि हम मनुष्य भी कर सकते हैं। द गोम्बे चिम्स यूज ग्रास स्टैम्प्स एंड ट्विक्स टू फिश टर्माइट्स फ्रॉम देयर नेस्ट। फिश टर्माइट्स में तो दीमक को बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि जो गोम्बे एक चिंपैंजी का नाम है, वो क्या करता था कि एक लंबी सी छड़ी को उठाता था और उसकी टहनी से दीमक को उसके घोंसले में से निकालता था। द चिम्स ऑल्सो यूज लॉन्ग स्मूथ स्टिक्स टू कैच विशियस बाइटिंग आर्मी आंट्स। अब वो कहते हैं कि जो चिंपैंजीज होते थे वो एक लंबी लकड़ी को खतरनाक आर्मी, यानी काटने वाली चींटियों को पकड़ने के लिए भी यूज़ करते थे। दे यूज क्रम्ब्ड लीव्स टू सोक अप वाटर फ्रॉम द होलो इन ट्रीज दैट दे कैन नॉट रीच विद देयर लीव्स। अब वो बता रही हैं कि वो क्या करते थे, जैसे एक ऐसी पत्तियाँ होती थी ना जिनमें सलवटे, क्रम्बल्ड लीव्स मतलब होता है जिनमें सलवटे पड़ी होती हैं, स्मूथ नहीं होती, सलवट वाली पत्ती, वो क्या करते थे, एक जो पानी, जैसे पेड़ों के जो गड्ढे होते थे, जो होल बने हुए थे, तो उसमें जो पानी भर जाता था तो उनके होंठ उसमें पहुँच नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, उस पत्ती को उसमें डाल करके और फिर वो पानी को उसमें से सोक करते थे और उसको पानी को चूस लेते थे।
विद देयर लिप्स एंड देन सक द होम मेड स्पॉन्ज, और फिर जो पत्ती, वो जो पानी उसमें से पत्ती में पानी भरते और फिर उसको उसमें से चूस लेते थे। दे वाइप डर्ट फ्रॉम देयर बॉडीज विद लीफ नैपकिंस, और अपने शरीर पर मिट्टी झाड़ने के लिए वो बड़ी पत्तियों का यूज़ करते थे, जैसे कि हम दे यूज स्टाउट स्टिक्स टू ओपन अप होल्स इन ट्रीज टू गेट एट नेस्ट ऑफ बर्ड्स और हनी एज अ क्लब्स टू इंटीमिडेट वन अनदर टू अदर एनिमल्स। वे पक्षियों या शहद के घोंसले में एक दूसरे या अन्य जानवरों को डराने के लिए पेड़ों में छेद खोलने के लिए एक मोटी लकड़ी का उपयोग करते थे। दे पिक अप एंड थ्रो रॉक्स एज मिसाइल्स, और फिर वो चट्टानों को उठा लेते थे, यानी बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेते थे और मिसाइल की तरह तेजी से प्रहार करते थे, फेंकते थे। इन दी अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के दूसरे भागों में चिम्प्स हैव डिफरेंट टूल्स यूजिंग बिहेवियर, यानी जो चिंपैंजी थे वो अलग प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वेस्ट अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका दे यूज टो स्टोन्स। अब यानी कि जो वेस्ट अफ्रीका था और दूसरे सेंट्रल अफ्रीका में वो टो स्टोन्स का यूज़ करते थे। टो स्टोन एक ऐसा होता है जिसको ऑब्जेक्ट होता है जिसमें उसको बीच में फंसा के चीज़ को खींच लेते थे। अ हैमर एंड एन एविल टू क्रैक ओपन नट्स, और एक एनविल मीन्स होता है एक निहाई होता है, एक टूल होता है जिससे कि वो जैसे उन्हें कोई नट्स वगैरह कोई अखरोट वगैरह तोड़ना होता था तो उससे वो तोड़ लेते थे। इट सीम्स दैट इन्फेंट चिम्स लर्न दिस बिहेवियर बाय वॉचिंग द एडल्ट्स, और वो जो छोटे जो शिशु जो छोटे चिंपैंजी होते थे जो जैसा वो बड़े करते थे तो उनको देख करके वो भी वैसा बिहेवियर वैसा चीज़ें व्यवहार सीख लेते थे। एंड देन इमिटेटिंग एंड प्रैक्टिसिंग व्हाट दे हैव सीन, और फिर जो भी चीज़ उन्होंने देखी थी उसकी वो नकल करते थे और उसका अभ्यास करके वो सीख जाते थे। सो द चिम्स हैव देयर ओन प्रिमिटिव कल्चर, और क्योंकि ये चिंपैंजियों का या जो बंदरों का एक प्राचीन इनकी खुद की संस्कृति होती है। मैनी साइंटिस्ट आर फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द चिंपैंजीज माइंड फ्रॉम टेस्ट इन कैप्टिव सिचुएशंस, यानी जब चिंपैंजियों को बंदी बना के रखा जाता था तो बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चिंपैंजियों के बारे में और सर्च किया, और भी चीज़ें उन्होंने पता करी। फॉर एग्जाम्पल, चिम्स गो एंड फाइंड स्टिक्स टू पुल इन फूड दैट हैज़ बीन प्लेस आउटसाइड द केज बियॉन्ड देयर रीच, यानी कि चिम्स को क्या करते थे, उनका खाना बाहर रख दिया जाता था तो वो क्या करते थे, एक लंबी सी लकड़ी ढूंढते थे, फाइंड स्टिक्स टू पुल इन फूड, यानी कि जिससे कि वो उसको खाने को खींच सके, दैट हैज़ बीन प्लेस्ड आउटसाइड द केज बियॉन्ड देयर रीच, उनके दूर बहुत से बहुत ज़्यादा दूर कहीं दूर पे वो भोजन रख दिया जाता था। दे कैन ज्वाइन टू शॉर्ट स्टिक्स टूगेदर टू मेक वन लॉन्ग टूल, और फिर वो क्या करते थे, दो छोटी लकड़ियों को जोड़ करके एक लंबी, दोनों को जोड़ करके एक लंबी लकड़ी बना लेते थे। दे हैव एक्सीलेंट मेमोरीज, और उनकी जो मेमोरी थी या उनकी जो याददाश्त थी वो क्या होती थी, बहुत अच्छी होती थी, अच्छी है। आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ सेपरेशन अ फीमेल नेम वॉजो रिकोगनाइज द टू ह्यूमन्स हु हैड ब्रॉट हर अप। अब 11 वर्ष जुदा होने के बाद, यानी कि 11 वर्ष हो गए थे उनको जुदा हुए, तो एक फीमेल नेम्ड नाम की एक जो चिम्स थी वो सो उसने उसको दो लोगों ने जो दो ह्यूमन्स ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, तो 11 साल बाद उसने उनको पहचान लिया था। अ चिम कैन प्लान व्हाट शी और ही और शी इज़ गोइंग टू डू, यानी कि जो चिम होते हैं वो योजना भी बना लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है, आगे उनको क्या करना। Often I have watched a chimp wake up, scratch himself slowly, gaze around in different direction, then suddenly get up, walk over to a clump of grass, carefully select a stem, trim it, and then travel quite a long way to termite mound that was out of sight when he made his tool. अब वो इसमें बता रहे हैं कि मैंने देखा है कि जो chimps क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सरकते हुए खिसते हुए और क्या करते हैं वो धीरे से
धीरे से चारों तरफ चारों दिशाओं में देखते हैं और फिर देन सडनली गेट अप वॉक ओवर टू अ क्लम्प ऑफ ग्रास और फिर तुरंत अचानक ही वहाँ से उठते हैं और घास के झुरमुट में चलने लगते हैं। केयरफुली सेलेक्ट अ स्टेम एंड ट्रिम इट और बहुत ही ध्यान से एक तने को साफ करते हैं और देन ट्रेवल क्वाइट अ लॉन्ग वे टू अ टर्मिट माउंड और फिर काफ़ी दूर चलने के बाद में एक दीमक के टीले पे जाके चले जाते हैं। दैट वॉज आउट ऑफ साइट वेन ही मेड हिज टूल और वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दूर होते हैं यानी कि जो जहाँ पर कोई भी ना पहुँच सके और वहाँ पर जाकर वो अपना औजार बनाते हैं। चिंपैंजीज कैन बी टॉट टू डू मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी डू चिंपैंजियों को काफ़ी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं मतलब शिक्षा दी जाती है पढ़ाया जाता है जो कि हम कर सकते हैं थिंग्स वी डू जो कि हम कर सकते हैं सच एज राइडिंग बाइसिकल्स एंड स्विंग जैसे कि साइकिल चलाना सिलाई करना सम लव टू ड्रॉ अ पेंट और कुछ को ड्राइंग करना पेंटिंग करना भी चिम्स कैन आल्सो रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन मिरर जो चिम्स होते हैं वो अपने आप को पहचान लेते हैं शीशे में भी अपने आप को पहचान लेते हैं बट दे कैन नॉट लर्न टू स्पीक वर्ड्स बिकॉज देयर वोकल कॉर्ड आर डिफरेंट मगर वो बोल नहीं सकते बट दे कैन नॉट लर्न टू स्पीक यानी कि कोई भी चीज़ हम बोलना सिखाएं तो वो नहीं सीखते क्योंकि जो उनका स्वर जो होती है स्वर तंत्री होती है वो नहीं होती है उनकी अलग होती है टू साइंटिस्ट द हायसिस ब्रॉट अप अ लिटिल चैम्प नेम्ड विकी एंड ट्राई टू टीच हर टू टॉक दो साइंटिस्ट थे हायसी उन्होंने एक जो चिंपैंजी था विकी नाम का उसके ऊपर उन्होंने कोशिश करी उसको पढ़ाने की उसको सिखाने की यानी उसको बोलना सिखाने की आफ्टर 8 years ही कुड से ओनली 4 words यानी 8 साल बाद वो केवल 4 शब्द ही बोल पाया एंड ओनली पीपल हु न्यू हर कुड अंडरस्टूड इवन दोज और केवल जो व्यक्ति उसको जानते थे कि वही समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो क्या कह रहा है इन्फेंट चिंपैंजीज आर एडोरेबल एंड फॉर फर्स्ट 2 or 3 years यानी जो इन्फेंट जो शिशु चिंपैंजी होते हैं छोटे चिंपैंजी जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मनमोहक होते हैं एडोरेबल मतलब होते हैं प्यारा होना या मनमोहक होते हैं प्यारे होते हैं पहले और तीसरे साल तक फर्स्ट 2 or 3 years 2-3 साल तक आर जेंटली एंड ईजी टू हैंडल और बहुत ही आराम से वो हैंडल भी हो जाते हैं इनको आराम से संभाल सकते हैं दी गार्डनर्स गॉट एन इन्फेंट चिंपैंजी नेम्ड हर वॉसो एंड बिगन टीचिंग हर द अमेरिकन साइन लैंग्वेज एक जो गार्डनर्स थे उनको छोटा यानी छोटे बचपन का ही शिशु चिंपैंजी दे दिया गया था और जिसका नाम उसने वॉसो रखा और उसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज यानी ASL भाषा सिखाई गई यूज एज अ डेफ पीपल यानी कि ये भाषा उन लोगों को सिखाई जाती है जो कि बोल नहीं सकते हैं गूंगे होते हैं देन अदर इन्फेंट चिम्स वर टॉट दिस लैंग्वेज चिम्स कैन लर्न 300 sign एंड और मोर और जो दूसरे इन्फेंट जो चिम्स थे यानी दूसरे और छोटे जो बच्चे थे उनको भी ये भाषा सिखाई गई चिम्स कैन लर्न 300 sign और मोर जो चिंपैंजी थे जो सिखाए जा रहे थे जिनको ये भाषा उन्होंने लगभग 300 sign जो थे वो सीख लिए और उससे ज़्यादा और उन्होंने दे कैन आल्सो इन्वेंट साइन और उसके अलावा भी उन्होंने खुद ने भी अपने साइनों अपने साइन का आविष्कार किया चिन्ह साइन मतलब होता है चिन्हों का आविष्कार किया द चिम्प लूसी वॉन्टिंग टू अ ब्रेजल नट बट नॉट नोइंग इट्स नेम यूज टू साइन शी न्यू एंड आस्क हर फॉर अ रॉक बेरी यानी जो चिम्प लूसी थी उसे ब्रेजल नट की जब आवश्यकता होती थी और उसे बोलना नहीं आता था तो वो उसने उसका नाम रॉक बेरी के नाम से बता दिया के नाम से बोलने लगी अब फिश सोडा बिकम अ लिसन ड्रिंक यानी फिश सोडा को उन्होंने लिसन ड्रिंक के नाम से साइन संबोधित कर दिया अ डक ऑन अ पॉन्ड को वाटर बर्ड के नाम से एंड अ पीस ऑफ क्लियरी पाइप फूड के नाम से वाजो अडॉप्टेड सन लर्न 58 sign फ्रॉम वाजो एंड 3 other signing जो वाजो के जो पुत्र थे उन्होंने लगभग 58 sign सीख लिए थे वाजो से और उसके बाद 3 other signing यानी कि साइन करना भी
16. चिम्स बाय द टाइम इट वॉज 8 years old, और जो चिंपैंजी था उस समय उसकी उम्र जो थी वो 8 वर्ष थी. ही वॉज नेवर टॉट दी साइन बाई ह्यूमन्स, और उसे इस ये जो चिन्ह थे ये कभी भी मनुष्य द्वारा नहीं सिखाए गए. अदर चिम्स हैव बीन टॉट कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कैन पंच क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, और जो दूसरे चिंपैंजी थे उनको कंप्यूटर की भाषा सिखाई गई जिसे वे कितनी भी कठिन या उलझा हुआ वाक्य हो उसे वे तुरंत सुना दिया करते थे. दीज एक्सपेरिमेंट हैव टॉट अस एंड कंटिन्यू टू टीच अस मोर एंड मोर अबाउट द माइंड ऑफ चिंपैंजी, और इस प्रकार के आविष्कार से हमने सीखा कि हम इस प्रकार के जो आविष्कार से हमने सीखा कि हम और ज़्यादा कम चिंपैंजियों के दिमाग के बारे में अध्ययन कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली चिंपैंजी सो लाइक अस इन मैनी वेज आर ऑफन वेरी बैडली ट्रीटेड इन मैनी कैप्टिव सिचुएशन, यानी जब चिंपैंजियों को बंदी बनाया जाता है तो दुर्भाग्य की बात है चिंपैंजियों के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है. चिंपैंजी वर फर्स्ट ब्रॉड टू यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इन द मिडल ऑफ द 17th century. 17वीं शताब्दी के मध्य में चिंपैंजियों को यूरोप से अफ्रीका लाया गया. पीपुल वर अमेज्ड बाय दीज ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, और जो लोग थे वो इस प्रकार के प्राणी को देख करके बहुत ही अमेज्ड हुए यानी अचंभित हुए. दे ड्रेस्ड them up and taught them tricks, और उन्होंने उसको अच्छे से कपड़े पहनाए और उसको उन्होंने ट्रिक्स सिखाई. सिंस देन वी हैव ऑफन ट्रीटेड चिंपैंजी लाइक सेल्स, और उसके बाद से हमने चिंपैंजियों को दास की तरह यूज करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. शूटिंग देयर मदर्स इन अफ्रीका, उनकी माँ को अफ्रीका में मार दिया जाता था. शिपिंग देम अराउंड द वर्ल्ड, केजिंग देम इन जूस, ट्रेनिंग दैम टू परफॉर्म इन मूवीज एंड सर्कस एंड एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग दैम एज पैट्स एंड इम्प्रेजिंग दैम इन द मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज. अब क्या करते थे कि जैसे उनको जब उनकी माँ को मार दिया जाता था और फिर उनको ला के कैद में जू में कैद करके बंद करके रख दिया जाता था, और या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी मूवी में सर्कस में एडवर्टाइजमेंट में काम करने की, या उनको क्या करते थे जैसे पालतू जानवरों के रूप में बेच दिया जाता था, या उनको कैदी बनाकर मेडिकल रिसर्च जो लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे जानवरों के बारे में प्रयोगशाला होती है उनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाता था. सम चिम्स बिकम फेमस जे फ्रेड मग्स स्टारेड ऑन टीवी टुडे शोज फॉर ईयर्स वॉज नोन बाय मिलियन ऑफ व्यूअर्स. अब कुछ जो चिंपैंजी थे उन्होंने टीवी के शो में भी काम किया. एक चिंपैंजी था जिसका नाम था जे फ्रेड मग्स, जिसने एक बहुत बड़े टीवी शो में काम किया था, वो बहुत ही प्रसिद्ध भी हो गया था, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया. और बट दे डिड नॉट नो वॉज दैट वेन एवर वन जे फ्रेड मग्स गो टू बिग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर द शो ही वॉज रिप्लेस बाय द यंग हंगर. अब लोगों को ये नहीं पता था कि जो जे फ्रेड मग्स जो था वो जब बड़ा हो जाएगा और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा तो उसकी जगह दूसरा कोई जवान यंगर जो होगा यानी दूसरा जो जवान चिंपैंजी है वो ले लेगा. अ यंग मेल कॉल्ड हैम वॉज सेंट इन टू स्पेस, एक जो यंग मेल कॉल्ड यानी कि एक जवान चिंपैंजी था जिसका नाम हैम था उसको अंतरिक्ष में भेजा गया. ही वॉज सेंट अप इन अ मर्करी रेड स्टोन रॉकेट इन जनवरी 1961. तो उसे जनवरी 1961 में मर्करी रेड स्टोन रॉकेट में उसमें उसको स्पेस में अंतरिक्ष में भेजा गया. एंड बिकॉज ही सर्वाइव द ऑर्ड्रिल ही वॉज टेरिफाइड, और सर्वाइव द ऑर्ड्रिल मतलब होता है कि वो बच गया यानी कि उसकी जो जीवित वो वहाँ से वापस आ गया. तो जब वो जीवित वहाँ से वापस आ गया तो इट वॉज डिसाइडेड डैट इट वॉज सेफ फॉर द फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट, तो ये निर्णय लिया गया कि ये पहला अंतरिक्ष यात्री के लिए सुरक्षित था. इट इज़ बिकॉज देयर बॉडीज आर सो लाइक आर्स दैट साइंटिस्ट यूज जिम्स टू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट ह्यूमन डिजीज एंड हाउ टू क्योर एंड प्रिवेंट देम. अब इनका जो शरीर होता है चिंपैंजी का ये
हमारे जैसे ही होता है, यानी कि मनुष्यों के जैसे ही होता है। तो साइंटिस्टों ने चिंपैंजी को क्या किया कि अब ह्यूमन डिजीज, यानी कि जो लोगों, जो मानवों के जो बीमारी होती है उसके इलाज के लिए और उसको रोकने के लिए उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। इट इज़ वेरी अनफेयर दैट इवन दो चिंपैंजी आर बींग यूज टू ट्राई टू हेल्प ह्यूमन्स, दे आर ऑलमोस्ट नेवर गिवन डिसेंट प्लेस टू लाइव। और ये बहुत ही बुरी बात है कि चिंपैंजियों को हमने हमारे लिए इस्तेमाल किया। इवन दो चिंपैंजी आर बींग यूज टू ट्राई टू हेल्प ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्यों की मदद के लिए चिंपैंजियों का इस्तेमाल किया गया, फिर भी उन्हें अच्छी जगह रहने के लिए नहीं मिली। 100 ऑफ देम आर शट अप इन 5 feet एंड इन टू 5 feet एंड 5 feet बेयर स्टील बार्ड प्रिजन्स ऑल अलोन बोर्ड एंड अनकम्फर्टेबल। और बहुत सारे जो हजार काफ़ी जो हंड्रेड्स यानी 100 से भी ज़्यादा जो उसमें एक पिंजरे में बंद करके रखे जाते हैं, जो कि छोटा सा एक स्टील का बना हुआ जेल टाइप में होता है और वो बिल्कुल अकेला रहता है वहाँ पे, वो बोर हो जाता है, असुविधा होती है वहाँ पे, उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती और उसे ऐसी जगह पे रहना पड़ता है। मेज़र आउट दिस स्पेस, इमेजिन हैविंग टू लिव इन इट योर एंटायर लाइफ। मेज़र आउट दिस स्पेस एंड इमेजिन हैविंग टू लिव इन इट योर एंटायर लाइफ। इस स्थान को मापें और कल्पना करें कि यह आपके पूरे जीवन में रहेगा। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस फर्स्ट टाइम आई लुकड इन टू द आईज ऑफ एन एडल्ट मेल चिंपैंजी जीजो जोजो इन वन ऑफ दीज लैब। मैं पहली बार कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने इनमें से एक प्रयोगशाला में एक व्यस्त पुरुष चिंपैंजी की आंखों में देखा था। फॉर मोर देन 10 years ही हैड बीन लिविंग इन हिज टाइनी प्रिजन। अब लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय से वो इस जेल में रह रहा था। द साइड्स फ्लोर एंड सीलिंग वर मेड ऑफ थिक स्टील बार्स। और जो उसकी जो साइडें थी और जो फर्श था उसका और जो उसकी दीवारें थी वो स्टील की बनी हुई थी, मोटी स्टील की सलाखों से बनी हुई थी। ही लिव्ड एट द एंड ऑफ अ रो ऑफ 5 cages। वो सबसे अंत की 5 पिंजरों में से सबसे आखिरी वाली रो में रहता था। लाइंड अप अलोंग बेयर वॉल और उस खाली दीवार के सहारे। देयर वर 5 more cages ऑन द अपोजिट साइड। और उसकी विपरीत दिशा में और 5 पिंजरे और भी थे। एट आइदर एंड ऑफ द रूम वॉज अ मेटल डोर। और उसके रूम के आखिरी में एक धातु का दरवाजा था। देयर वॉज नो विंडो और वहाँ पर कोई खिड़की नहीं थी। जोजो कुड नॉट टच एनी ऑफ हिज फेलो प्रिजनर्स। और जोजो अपने साथ के जो भी उसके साथी थे, जो कैदी थे, जो जिनको कैद करके रख रखा था और दूसरे चिंपैंजी को, उनको वो छू भी नहीं सकता था। ओनली द एंड ऑफ हिज फिंगर्स फिटेड बिटवीन द बार्स। और उसकी जो उंगलियाँ थीं वो केवल उन सलाखों तक पहुँच पाती थी। ही हैड बीन बॉर्न इन अफ्रीका फॉरेस्ट। वो अफ्रीका के जंगल में उसका जन्म हुआ था। एंड फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और एक साल लगभग और एक वर्ष तक वो उस जंगल में रहा था। ऑफ ग्रीन्स ब्राउन्स लीव्स एंड वाइन्स बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। और जहाँ जिस जंगल में रहता था, पत्तियों के साथ में, लताओं के साथ में, जहाँ पे तितलियाँ थी, चिड़ियाँ थी, उनके साथ में वो लगभग एक वर्ष रहा था। हिज मदर हैड ऑलवेज बीन क्लोज टू कम्फर्ट हिम। और उसकी माँ हमेशा उसके पास रहती थी और उसका ध्यान रखती थी। अनटिल द डे व्हेन शी वॉज शॉट एंड ही वॉज स्नेच्ड फ्रॉम हर। और एक दिन उसकी माँ को मार दिया गया, शूट कर दिया गया, मतलब बंदूक गोली मार दी और उसको उससे छीन लिया। द यंग चिंपैंजी was shipped away from his forest world to the cold bleak existence of North America। और जो जवान चिंपैंजी था उसको जहाज के द्वारा उस जंगल से एक नॉर्थ अमेरिका में ले आते हैं, नॉर्थ अमेरिकन रिसर्च लैब में उसको ले आते हैं। जोजो वॉज नॉट एंग्री। जोजो जो था वो गुस्सा नहीं था, जस्ट ग्रेटफुल, बल्कि आभारी था दैट आई हैड स्टॉप्ड बाय हिम। और उसके द्वारा मुझे रोका गया।
He groomed my fingers. He groomed my fingers where the ridges of my cuticles showed through the surgical gloves. और उसने मेरी उंगलियों को छुआ, मतलब उसने मेरी उंगलियों को सहराया और जिससे उसके थोड़े से मेरे हाथों पे निशान से बन गए. मैंने जिसमें सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे उसमें वो निशान उसके जैसे खरोंच सी नहीं आ जाती हाथों पे, वैसे दिखाई दे रहे थे. आई हैड टू वेयर, मुझे वो सर्जिकल ग्लव्स पहनने पड़ते थे. देन ही टुक इन टू माई आईज विद वन जेंटल फिंगर रीच टू टच द टीयर दैट रोल डाउन इन टू माई मास्क. फिर उसने मेरी आँखों की तरफ देखा और एक उंगली उस वहाँ तक उसने मेरी आँखों के पास छूने की कोशिश करी तो उसमें से एक आंसू निकल के मास्क से लुढ़क गया. इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेवरल हंड्रेड चिंपैंजीज हैव बीन डिक्लेयर्ड सरप्लस. यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, वहाँ पर कम से कम 100 से भी ज़्यादा, सेवरल हंड्रेड चिंपैंजी, 100 से भी अधिक चिंपैंजी जो हैं वो अधिक सरप्लस यानी कि अधिक दिखाए गए हैं कि काफ़ी अधिक चिंपैंजी हैं जिनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है. दे आर नो लॉन्गर नीडेड फॉर मेडिकल रिसर्च, और उनकी अब मेडिकल रिसर्च में कोई आवश्यकता नहीं है. एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स आर ट्राइंग टू रेज द मनी टू बिल्ड देम सेंचुरी सो दैट दे कैन एंड देयर लिव्स विद ग्रास एंड ट्रीज. जो एनिमल वेलफेयर जो सोसाइटी है, जो ग्रुप है, वो सोच रही है उनके लिए एक ऐसी बिल्डिंग का बना रही है जहाँ पे सेंचुरी बना रही है, जहाँ पे उनको रख सकें और खुले में रख सकें, जैसे जहाँ पे घास हो, पेड़ हो, सनशाइन हो, जहाँ पे उनको सूरज की रोशनी मिल सके, कंपेनियनशिप मिले, उनके उनके साथी मिल जाएँ, जैसे जंगल में जैसे रहते हैं ना वो खुले, उस तरीके से उस सेंचुरी में उनको रखने का एनिमल वेलफेयर ग्रुप तैयारी कर रही है. सम लकी वंस इंक्लूडिंग जोजो हैव ऑलरेडी बीन फ्रीड, और उनमें से कुछ जो भाग्यशाली हैं जैसे कि जोजो और भी जो हैं चिंपैंजी, उस फ्री कर दिए गए हैं और वहाँ पे ले जा चुके हैं फ्रॉम देयर लेबोरेटरी प्रिजन्स, जहाँ पे वो कैद में अपना जीवन बिता रहे थे वहाँ से उनको निकाल के एनिमल वेलफेयर ग्रुप यानी उस सेंचुरी में ले जाके रख दिया है. मैनी अदर्स आर वेटिंग, और जो दूसरे चिंपैंजी हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आज़ाद होंगे वहाँ से. तो बेटा अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. एक बार आप अच्छे से इसको रीड आउट करिएगा और कोई जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको फाइंड आउट करिए. ओके बेटा, बाय बाय.